एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज पूरा सेटअप है वो चेंज है, फ्रंट में भी सेटअप चेंज है और बैकग्राउंड में भी चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ वीडियोस बनाते बनाते मैं थक चुका था, सोचा कि कोई अलग एंगल से वीडियो बनाते हैं और ये बैकग्राउंड मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, कूल लग रहा है, तो इस बार ये वीडियो यहीं से शूट किया है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वाला बेटर लग रहा है या फिर जो हमारा रेगुलर ये डोर वाला है वो सेटअप अच्छा लग रहा है। तो अब बात करते हैं हमारे फ्रंट सेटअप की। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है स्टील बर्ड का मेरा हेलमेट जो आई गेस 3-4 साल से पड़ा है, मैं कभी इतना यूज नहीं करता। और ये है GoPro जो डेली में व्लॉग्स में यूज करता हूँ, ये है GoPro का केज और ये है चिन माउंट। तो इन सब चीज़ की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आज हम लोग हमारा GoPro है वो सेट करने वाले हैं मेरे हेलमेट पे फॉर मोटो ब्लॉगिंग। और इसके लिए मैंने एमसिल का यूज़ नहीं किया, हम लोग यूज़ करने वाले हैं चिन माउंट। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई तू एमसिल से भी कर सकता था और 10-20 रुपये में वो काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता, बट उसके दो रीज़न है मैं एमसिल के साथ नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एमसिल का जो पार्ट है वो एमसिल आप लगाते हो यहाँ पे तो वो काफ़ी हद तक ख़राब दिखता है। मेरा तो ब्लैक हेलमेट है तो ब्लैक एमसिल लगा था तो इतना नज़र नहीं आता, पर लेट से आपका वाइट है या फिर रेड कलर का है, अलग कलर का एमसिल से अलग कलर का हेलमेट है तो वो काफ़ी बाहर दिखता, वो अच्छा नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं गया। दूसरा रीज़न कि एमसिल यहाँ पे सेट होती है उसके बाद GoPro का ये माउंट लगता है और ये जो सेटअप होता है एमसिल का माउंट के साथ वो फिक्स होता है, मतलब इसको आप ये हेलमेट से निकाल नहीं सकते और अगर निकालोगे तो शायद वो दूसरे हेलमेट पर चिपके ना चिपके, बहुत हसल है उसमें। इसीलिए मैंने बाय किया ये चिन माउंट। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कितना इफेक्टिव है ये चिन माउंट। तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे चिन माउंट और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्टर्डी है, पीछे रबर है तो किसी भी एंगल का मतलब किसी भी टाइप का आपका हेलमेट है अगर यहाँ पे फ्लैट सरफेस है या फिर ऐसी कर्व सरफेस है इस पर आराम से फिट बैठ जाएगा। और आगे का जो प्लास्टिक है मतलब बहुत ही स्टर्डी प्लास्टिक है, ऐसा चीप मटेरियल नहीं लग रहा है। और आगे यहाँ पे आपको माउंट दिए गए जिसपे आप GoPro है वो डायरेक्ट ही अटैच कर सकते हैं, GoPro के जो विंग्स है उसके लिए दिया गया। GoPro को अटैच करने के लिए स्क्रू भी इनबिल्ट है जिससे आप GoPro अटैच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप है, आप किसी भी एंगल पर मोड़ के टाइट कर सकते हैं, इट वर्क्स रियली वेल। अगर आपको GoPro एक्सटेंड भी करना है तो एक्सटेंशन का यूज़ करके ये भी आपको मिलता है अंदर ही, ये आप इसके ऊपर लगा के GoPro को इसके ऊपर फिट कर सकते हैं तो GoPro थोड़ा ऊपर रहेगा। नाम ये पीछे के जो स्ट्रैप्स हैं वो स्ट्रैप्स आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के वाइज, मतलब अगर आपका हेलमेट है वो थोड़ा ऊपर है, ये जो पोर्शन है आपका हेलमेट का वो नीचे है या फिर ऊपर है, उस हिसाब से आप स्ट्रैप्स एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी स्टर्डी लग रहे हैं स्ट्रैप्स भी, तो ऐसे आप क्लिक करके उसे बांध सकते हैं और इस पोर्शन को आप खींच के इसे लंबा या छोटा करके परफेक्टली सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। तो केज के साथ ये GoPro यहाँ पे सेट हो चुका है, काफी अच्छा है, मतलब किसी भी एंगल से आप इसे सेट कर सकते हो। लेट से मुझे थोड़ा नीचे एंगल रखना है तो ऐसा सेट करके मैं ये टाइट करके ये एंगल सेट कर सकता हूँ, या फिर मुझे थोड़ा ऊपर रखना है तो मैं ऐसा एंगल सेट कर सकता हूँ। तो ये हम कर देते हैं इसे टाइट ये एंगल पे रख के और सेटअप एज यू कैन सी काफ़ी क्लीन लग रहा है और ये काफ़ी स्टर्डी सेटअप है और काफ़ी क्लीन भी लग रहा है, एकदम कूल लग रहा है। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये जो स्ट्रैप्स है इसके वजह से ये जो ग्लास है वो पूरा क्लोज ही होगा, ऐसा नहीं है, ये वाइजर पूरा क्लोज होता है एज यू कैन सी, ये पूरा क्लोज हो रहा है, यहाँ पे इतनी गैप भी नहीं है, हवा भी नहीं आएगी इतनी। तो प्रॉपर जो हमारा सेटअप है मोटो व्लॉगिंग का वो रेडी हो चुका है। हाँ, इसमें माइक नहीं है क्योंकि मेरे पास GoPro का एडेप्टर नहीं है, GoPro का एडेप्टर और माइक है वो मैंने ऑर्डर कर दिया, वो आएंगे, जब भी वो आएंगे मैं पूरा प्रॉपर माइक के साथ सेटअप करके आपको दिखाऊंगा कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो एडेप्टर माइक का वो यहाँ नीचे इसकी जगह है, इसीलिए मैंने ये केज मंगवाया, क्योंकि आपके पास अगर GoPro 7-8 कोई भी है तो आपका एडेप्टर माइक का होना बहुत ज़रूरी है और ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। So now let's go and check it out कि कैसा वर्क करता है ये सेटअप पूरा। So हम लोग आ गए बाइक पे, नीचे अभी मैंने पहन लिया है GoPro और so we are officially ready for our first moto vlog। और अभी तो मेरे पास सिर्फ एक्टिव आई है तो इस पर ही मोटो व्लॉग कर सकते हैं, ये हम चल पड़े। भाई जब इसमें माइक अभी नहीं लगा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि थोड़े स्पीड के बाद, अभी तो 10-15 पे चल रही सोसाइटी में हूँ, आई डोंट थिंक सो कि
और 30-40 के बाद इसमें इतनी आवाज़ आएगी, नॉइज़ आने लगेगी क्योंकि माइक है नहीं और पता नहीं इसका साउंड सिस्टम कैसा है। बट अभी तो सो फार सो गुड। अब मैंने अभी देखा नहीं है कितना इसका कहाँ पे सेट है, जो एंगल है वो कहाँ पे सेट है, मैंने देखा नहीं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर देखूँ, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर देखूँ क्योंकि ये सामने की तरफ आपको दिखाई, क्योंकि सामने की तरफ आपको रास्ता दिखाई देगा। मैं भी जा रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अभी इसीलिए मैं यहाँ पे हाईवे पे नहीं चला रहा क्योंकि मैं देखा जाता हूँ कि कहाँ कितनी स्पीड तक इसमें आवाज़ आती है बिना माइक के। माइक जब आ जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70-80 की स्पीड से जा सकते हम लोग आराम से। और आई होप कि अच्छी तरीके से आवाज़ और वीडियो दोनों आ रही हो, ऑडियो वीडियो अच्छी आ रही हो। अभी हम लोग जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, काफ़ी विंड है। मैंने इसका जो विंड रिडक्शन का जो सेटिंग है वो मैंने ऑन करके रखा है, तो शायद पता चल जाएगा। वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, वेदर बहुत ही मस्त है। क्लाउड थोड़े थोड़े वेदर बहुत ही मस्त है। अभी विंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना आवाज़ आ रहा होगा, अगर आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो मैं म्यूज़िक डाल दूँगा बीच में। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो क्या चल रहा है। पुलिस वाले भी है यहाँ पे, वो अच्छी बात है, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। और आ गए हम थोड़े मेन रोड पे। अभी यहाँ पे थोड़ी हम लोग स्पीड चेक करके 50-60 के आसपास कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इसका। और ये माउंट है वो हिल भी नहीं रहा, मैं जहाँ तक बैक देख रहा हूँ यहाँ पे हिल नहीं रहा है, काफ़ी स्टेडी है, काफ़ी मस्त चल रहा है। अभी मैंने बाइक रोक दी थी क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि इसमें आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। आवाज़ तो थोड़ी आ रही है, और मैं जो कैमरा का एंगल है वो भी मैं सेट करने कर रहा था कि इस कैमरा का जो एंगल है वो सामने की तरफ दिखाई दे, काफ़ी नीचे ना रहे या काफ़ी ऊपर ना रहे। मुझे अभी लग रहा है कि कैमरा का एंगल भी अच्छा है और नॉइज़ काफ़ी अच्छी है, और जो विंड नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक वो रिड्यूस कर रहा है क्योंकि इसमें इनबिल्ट फीचर आता है विंड रिड्यूस करने का, आई थिंक काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और अभी जो है हम 50 की स्पीड सेट करने आ रहे हैं और अब पता चलेगा कितनी अच्छी तरीके से विंड। तो अभी जो GoPro का पूरा सेटअप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पूरा GoPro है यहाँ पे लगा हुआ, माइक नहीं है, माइक का खाली है। और बस दिस इज हाउ इट लुक्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। और बहुत ज़्यादा धूप आ रही जैसा लग रहा है कोई मैं गेम खेल रहा हूँ, बस चलते हैं। मेन जो हमारा टेस्ट करना था वो यही था कि जो विंड ब्लास्ट आता है उसमें ये कितना हेल्पफुल होता है, इसका जो विंड रिड्यूसर है वो कितना हेल्प करता है सेटिंग्स का। तो मेन वही टेस्ट करना था, वही टेस्ट हो गया है हमारा। तो अब चलते हैं ऊपर। सो गाइस, अभी मैंने जस्ट आके GoPro की जो फुटेज है पूरी मोटो व्लॉग की वो चेक की है, और 30 से लेकर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक वॉइस काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है। बट पर 35 से ज़्यादा जब स्पीड होती है तब काफ़ी विंड ब्लास्ट होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती। तो मैंने GoPro का जो माइक का अडेप्टर है वो और माइक दोनों ऑर्डर कर दिए, तो जैसे ही वो दोनों आ जाएंगे हम एक प्रॉपर टेस्ट रन करेंगे विथ माइक एंड अडेप्टर एंड एवरीथिंग। और वो जब सक्सेस हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारे चैनल पे मोटो व्लॉगिंग ऑफिशियली। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई उस सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नया हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड आई विल सी यू गाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।